नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार में राजनीतिक रूप से उथल पुथल तो है ही, लेकिन एक और घटना ने बिहार की राजनीति को फिर से उबाल में ला दिया है। ये घटना है लालू राबड़ी के आवास पर 17 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। इस छापे को कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव 2004 से लेकर 2009 तक जो रेल मंत्री रहे हैं उस दौरान बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। हालांकि जांच कई बार हो चुकी है, लेकिन इसको जोड़ करके देखा जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो बेहतर संबंध हो रहे हैं उससे गुस्से में आकर के या फिर कहा जाए उससे डर करके भारतीय जनता पार्टी सीबीआई से इस तरह की जांच करवा करके परेशान कर रही है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एनडीए घटक दल के सबसे महत्वपूर्ण साथी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। देखिए, अजीब विडंबना है। एफआईआर कांग्रेस के रीजन में हुआ, घोटाला कांग्रेस के रीजन में हुआ, पहली छापेमारी कांग्रेस के रीजन में हुआ, कार्रवाई कांग्रेस के रीजन में हुआ और तोहमत एनडीए पर लगा रहे हैं। मतलब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हो या राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो, कम से कम बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़ा हुए मामले पर प्राथमिकी यूपीए सरकार में हुई, घोटाला भी यूपीए सरकार में हुआ, कार्रवाई भी यूपीए सरकार में हुई। अब जांच के बीच में अगर कुछ कुछ पहलू सामने आते हैं तो निसंदेह कार्रवाई होगी। और अभी तो राज्यसभा का चुनाव भी चल रहा है, वैसे का इंडिविजुअल कर हो रहा होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छापेमारी तब हो रही है अगर तेजस्वी यादव जी लंदन में है और तब छापेमारी हो रही है, तो इस तरह का तब तो तोहमत नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यहाँ है ही नहीं। और अगर तेजस्वी यादव जी जब यहाँ है नहीं, तो इस तरह के छापेमारी का कोई मतलब नहीं है कि राजनीति से परे ये चलो छापेमारी है, ये तोहमत कोई नहीं लगा सकता है अब। क्योंकि ये अगर आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश जी में और तेजस्वी जी में बेहतर संबंध हुआ है जिसकी वजह से ये छापेमारी हुई है, तो तेजस्वी जी यहाँ है और पूरे देश को पता है कि तेजस्वी जी लंदन में है, तो फिर उस बात से इस छापेमारी का क्या असर हो सकता है? ये बेबुनियाद आरोप है। और देखिए, एक कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब कोई इस तरीके के मामले में शामिल होता है तभी इस तरीके का मनगढ़ंत आरोप लगाता है। आपकी पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी जी ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने कुछ बातें लिखी है, हम जानना चाहेंगे कि उसका मतलब क्या है। देखिए, उसका मतलब तो चूंकि आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी श्रीनगर में है और उन्होंने ट्वीट किया है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ गढ़ा रहा होगा। उन्होंने तो, हमने भी ट्वीट देखा है और ट्वीट में तो बड़ा स्पष्ट है कि घर का भेदी लंका ढाए, मौका मिले तो बाहर उड़ जाए। अब लालू जी के घर में भेदी कौन है और बाहर कौन उड़ गया, ये तो समझने वाले समझेंगे। दानिश जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे दो दिन पहले हमारी बातचीत हुई थी जब राज्यसभा चुनाव को लेकर के और राष्ट्रीय जनता दल में उम्मीदवारी को लेकर के हमने आपसे सवाल पूछे थे। उस समय आपने कहा था कि बहुत कुछ राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में होना है, मीसा भारती को पार्टी का कमान देने की तैयारी चल रही है, क्या कहीं इसी के तरफ इशारा तो आप लोगों का नहीं है? हमें तो ऐसा ही लगता है कि मीसा भारती जी की खुशी का जब मामला सामने आया तो लालू जी चूंकि मीसा भारती के घर पे है जी, तो हमें ये लगता है और ये जबान पर तमाम लोगों के हैं लेकिन खुले जबान से लोग नहीं बोल रहे कि आखिर अभी छापेमारी हुई, नेता प्रतिपक्ष यहाँ है नहीं। देखिए, सारी चीजें मिल रही है ना, लालू जी से मीसा भारती के घर पर हैं, मीसा भारती जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बातचीत चल रही है, तो सारी चीजें एक जगह मिल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई घर का भेदी जरूर है जो नहीं चाहता है कि मीसा भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इसलिए साजिशन उन्होंने इधर से किसी को कोई मुखबरी करी जिसका परिणाम सामने आया है। भले ही आप स्पष्ट नहीं करो लेकिन आपका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी तो है नहीं, अब समझने वाले समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।